गाइस यार टाइम अब इट्स 3:45 इन द इवनिंग एंड टाइम मतलब ऐसा जा रहा है ना कि क्या बताया, क्योंकि संडे को हमने सोचे थे इनॉग्रेशन करेंगे बोल के, तो उसी हिसाब से प्लान तो हो रहा है, मगर यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, दिक्कत पानी का कारण आ रहा है। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सब कुछ सही जाए। फिलहाल अभी हमें अपने कैंप साइट पर, सो व्हाट्स अप पीपल, दिस इज अर्जुन हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल देसी ब्लॉगर। तो कैसे हो गाइस आप लोग, होप कि आप सब अच्छे हो और अच्छे ही रहना। तो फिलहाल रमेश दा अंदर कुछ काम करते हुए 3 आवर्स के, संडे को अर्जुन भाई ने ओपनिंग रखा है। हाँ, अरे हमने नहीं, हम दोनों ने इसीलिए वो बोल देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है तुम लोगों को। हाँ, संडे के लिए संडे तक रेडी हो जाएगा। हाँ, संडे तक एकदम रेडी हो जाएगा। अब रमेश दा ने आप लोगों को कहा, मतलब कह ही दिया तो हम भी कह देते हैं। सो गाइस 18th of November और दिसंबर, यार हम कहाँ एक महीना पीछे जा रहे हैं। 18th of December यानी कि 18 तारीख को हम संडे इनोग्रेट करने जा रहे हैं अपने कैंप साइट, जो कि अभी भी काफ़ी मैसी लग रहा होगा आपको, क्योंकि अभी ना रातों रात एक दिन में सारा चीज़ हमें समेटना है। एक्चुअली अभी तो सिर्फ समेटने का काम बाकी है, क्योंकि सब कुछ हो चुका है, किचन डाइनिंग में पार्टीशन भी आ चुका है। एंड एक बार लेके चलते हैं आपको, 3 आवर्स तो हमने काफ़ी बार दिखा चुके हैं, अभी किचन के अंदर का क्या सीन है वो दिखाएंगे, वो भी अभी भी काम बाकी है थोड़ा बहुत वहाँ पे भी। तो गाइस यार 18th November को प्लीज़ यार, मतलब देसी ब्लॉगर की तरफ से, हमारे विलेज इंजीनियर रमेश दा की तरफ से आप सभी को मोस्ट वेलकम। आप कहीं के भी हो, ऐसा नहीं कि मतलब नहीं जाना है, आप आ सकते हो। अगर आप आओगे तो हमने भी इसलिए मतलब शेड्यूल भी ऐसा किया कि संडे को रख रहे, क्योंकि काफ़ी लोग फ्री रहते हैं उस दिन को, तो उसी हिसाब से हम देखकर मतलब प्लान कर रहे हैं। तो संडे को गाइस अगर आप फ्री हो तो प्लीज़ डू विजिट हेवरिटीज एंड लेट्स गो। फिलहाल अभी भी काफ़ी मैसी है, काफ़ी मैसी है, इसको नज़रअंदाज करें। और एंड अंदर भी हमने काफ़ी अभी साफ कर दिया है, जो बड़े बड़े बुल्डर्स थे उसको निकाल दिया, अभी भी थोड़ा बहुत सेट करना है। एंड ये रहा हमारा छोटा सा क्यूट सा डाइनिंग टेबल, जो कि इस तरीके का एकदम, मतलब फैंसी नहीं रख रहा हूँ, स्वीट एंड सिंपल रख रहा हूँ, तो शायद आपको फैंसी ना दिखे। एंड यहाँ सो दिस इज़ द डाइनिंग एरिया, ठीक है गाइस। सो ये पार्टीशन हमने निकाला है अभी, तो इसके उस पार है हमारा प्यारा सा किचन। एंड किचन में ना मतलब दिखाते, ये देखिए ये रेक मिलेगा आपको, सो हियर इट इज़। तो ये गैप में भी हमें ना अभी बैम्बू लगाना है, ताकि मतलब ये पूरा पूरी कवर हो, क्योंकि किचन हमें कवर ही चाहिए। एंड ये रहा हमारा टेबल, ये डाइनिंग टेबल नहीं है, यहाँ पे गैस बर्तन काफ़ी कुछ आने वाला है यहाँ पर। एंड ये काफ़ी मजबूत भी है, एंड इसको अगर हम ढक दे तो यहाँ पे एक भाड़ा मतलब बर्तन धोने के लिए सामान आएगा। यहाँ पे शायद हम किचन का यूटेंसिल्स रखने के लिए कुछ बनाएंगे। एंड कुछ ऐसा सेट हो चुका है हमारा किचन डाइनिंग। एंड यहाँ पे बाहर तो दिस इज़ आवर डाइनिंग लॉन्च, तो यहाँ पर हम मतलब खाना तो मतलब बस पकाना है यहाँ पर, मतलब खाना तो आपके मर्ज़ी से खाओगे, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब डाइनिंग टेबल पर ही बैठ कर खाना मतलब यहाँ पे मतलब खाना ज़रूरी बोल के, आप कहीं पे भी बैठकर खा सकते हो। तो इसलिए हमने काफ़ी सारे सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे दे रखे आपको, एक तो वहाँ पे कैंप साइट के उस पार जहाँ टेंट पिच होगा, एंड दूसरा यहाँ पर। तो गाइस अभी हमने जो बॉनफायर का प्लान था वो हमने चेंज कर दिया, तो एक्चुअली हमने पहले वहाँ पर सोचे थे मगर वहाँ पर अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि काफ़ी क्लोज टू द किचन रह रहा है, तो उसके चलते बॉनफायर के लिए अभी हमने ये वाला सेट यहाँ पे बना रखा है अभी। सो दिस इज़ एक्चुअली फॉर बॉनफायर्स, यहाँ पे बैठने के लिए कितने नहीं लोग बैठेंगे, कोई तो यहाँ पे बैठ ही जाएंगे, पर मैं अभी भी कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि अभी रात को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हवा यहाँ पर होता है। अगर तेज़ हवा होने पर शायद यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल यहीं पर हम बनाएंगे, नहीं तो फिर हम सेफ करके वहाँ पर भी जा सकते, कोई नहीं जगह तो है भाई, जगह भाई के पास मतलब घर भर गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको टॉयलेट तो हमने दिखाई दिया है, बस एक जो अहम मतलब चीज़ है ना गाइस, अब वही नहीं हो पा रहा, यहाँ पे पानी का थोड़ा सा स्कर्सिटी है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अगर वो हो जाए तो फिर मतलब अगर यहाँ पे मैं 100% कह देता हमारा कैंप साइट रेडी हो चुका है बोल के, और यहाँ पे अभी पानी का व्यवस्था थोड़ा सा मतलब मुश्किल में अभी, तो इसके चलते अभी भी 99% से बनाए, अभी 1% से तो काम रुकता है ना गाइस, क्या बोलते हो, एक मतलब एक मार्क्स से लोग फेल होते हैं, तो यार 1% वही चीज़ है। तो या ओवरऑल दिस इज़ आवर ब्यूटीफुल कैंप साइट, एंड इसके अलावा भी अभी भी काफ़ी कुछ काम करना बाकी है हमें, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें जो कि हम मतलब कल करेंगे। आज फ्राइडे तो मतलब ख़त्म हो ही गया, अभी यहाँ से हमें फिर से जाना है सिलीगुड़ी की ओर, सिलीगुड़ी जाकर मार्केटिंग करना है, कुछ सामान हमें ख़रीदना है वो लाना है रात को, फिर सुबह उठो फिर यहाँ पे आओ सैटरडे, तो सैटरडे पूरे दिन भर में सारे के सारे अरेंजमेंट हमें करना पड़ेगा, एंड देन सैटरडे नाइट ख़त्म, तो फिर संडे अर्ली मॉर्निंग, नॉट अर्ली मॉर्निंग गाइस, मतलब 11 बजे को केक कटिंग सेरेमनी होगा, तो बिफोर 11 पहुंच जाना है यहाँ पे, लगभग 10 बजे के करीब ही पहुंच जाना गाइस। गाइस ये कैंप साइट का लोकेशन हम आपको इंस्टाग्राम पर देंगे, तो उसी हिसाब से मतलब आ जाना यहाँ पर, क्या बोलते हो, एंड वहाँ से तो ज़्यादा दूर भी नहीं है, बस
आप पहुँच जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। एंड मौसम देखो गाइस बहुत ही सुहाना होता है, इनफैक्ट काफ़ी मतलब ठंड लग रहा है अभी यहाँ पे। हम तो है टी शर्ट पर, मगर अभी जैकेट पहनने का वक्त आ चुका है। एंड रमेश दा अभी भी ऊपर काम करता हुआ। तो गाइस यार सी यू ऑन संडे। एंड मेरे तरफ से, विलेज इंजीनियर की तरफ से, आप सभी को गाइस मतलब मोस्ट वेलकम टू आवर एडवेंचर कैंप साइट जो कि हम दो भाई ने मिलकर बनाया अभी। एंड जितने लोग भी आ रहे हैं मुझे डीएम कर देना इंस्टाग्राम पर ताकि मुझे पता चले। एंड अगर किसी को नहीं पता है कहाँ से क्या करना है बल्कि, तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करना, हम आपको वहीं पे गाइड कर देंगे। एंड कोई कोई तो नंबर भी ले लेते हैं, मतलब नंबर मत मांगना गाइस, इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना, हम आपको लोकेशन दे ही देंगे। या स्टोरीज पर जाना, हम वहाँ पर लोकेशन मैंशन कर देंगे एंड उस हिसाब से आ जाना। चलते फिर से एक बार। एंड अभी हमने डिसाइड किया कि वहाँ पर वो ये भी सेम जो पॉलिथीन है ना वो यहाँ पे रख दे, बल्कि क्योंकि उस साइड में काफ़ी छेद है। एंड रमेश जो कर रहे हैं, या गाइस दिस इज आवर ट्री हाउस। एंड इसे भी रैप करना है एक्चुअली, ये सारे काम कल होगा। एंड रेडी करना है जल्द से जल्द, क्या बोलते हो? मगर यहाँ से जो व्यू है ना गाइस ज़बरदस्त कलर, अब बैठ कर खड़े होकर चाय पीने का जो लुफ्त है ना गाइस वो मतलब एक्सपीरियंस करना जरूरी है यहाँ पर आकर, क्या बोलते हो? तो बात हमें एक चीज़ तो आपको बताना भूल गया, ये अहम बात है क्योंकि आप यहाँ पे आओगे तो एक्साइटमेंट वो लेकर ट्री हाउस पर चढ़ोगे, मगर चढ़ने से पहले एक सावधानी। वैसे तो हम मतलब इसको भी मतलब ध्यान में रखें कुछ ना कुछ तो करेंगे, मगर फिलहाल के लिए ना गाइस ये जो टीन है ये आपको मतलब घातक बना दे सकता है। जैसे कि ये काफ़ी मतलब इस तरफ आ रखे, जैसे कि ये देखो सीढ़ी के ठीक ऊपर है ये, तो क्या होता है ये देखिए गाइस काफ़ी क्लोज कॉल हो सकता है यहाँ पर। तो वैसे हम भी यहाँ पे खुद सावधानी करके चल रहे, तो आपको भी ये ध्यान में रखना पड़ेगा। वैसे सेफ्टी मेजर्स हम यहाँ पे करेंगे, मगर ये थोड़ा सा क्लोज हो रखा है अभी, तो कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा क्योंकि अगर हाइट वाले बंदे यहाँ पर आते हैं ना तो फिर थोड़ा सा रिस्क बन जाता है, इससे काटने का डर रहता है। तो ये बट ओवरऑल इट्स अ कूल, बट स्टिल एक जो नेगेटिव पॉइंट है ना गाइस ये आता है एक्चुअली अभी फिलहाल के लिए। वैसे हमने जब स्टेयर बना रहे थे उतना ध्यान नहीं दिया। अभी यहाँ पे एक्चुअली आपको यहाँ पे दिखाओ ना गाइस, तो ऐसे हम जब चढ़ेंगे तो ऐसे चढ़ते हम तो बस ऐसे निकल जाते, मगर जो हाइट वाले बंदे रहते तो यहाँ पर टक्कर आने का थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा रहता है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना, हमने तो अभी यहाँ पे कह दिया है क्योंकि उस दिन हम मतलब एक एक को कह नहीं सकते क्योंकि सभी लोग यहाँ पर मतलब चढ़ने के लिए आएंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे मुझे पता है, तो इस चीज़ का भी ज़रा सा ध्यान में रखना। मगर तब तक शायद ये कुछ ना कुछ हम इंतज़ाम करेंगे, इसको तो अभी हटा तो नहीं सकते मगर कुछ प्रोटेक्ट देंगे, जैसे अगर लगता भी है तो चोट ना आए। आज हम टाइम से पहले जा रहे हैं, हाथ पर है हथौड़ा, एक्चुअली हथौड़ा नहीं, इसे हम छीनी कहते, जैसे मतलब पत्थर को तोड़ते, उस हम ये काफ़ी महीनों पहले लाए थे सागरदा के, उनको देना है अभी जाके। अगर ये गुम होना तो अगर ये गुम होता तो फिर बहुत वाट लगना था अपना। तो चलो फिर सी यू टुमारो, कल आकर फाइनल काम करना है। एंड फाइनल काम से भी सबसे ज़रूरी चीज़ पानी लाना है यहाँ पर, जो कि हमारे लिए सबसे टफेस्ट टक्स यहाँ पर बनता हुआ। एंड रमेश दा पता नहीं पानी कैसे लाएंगे, बताओ रमेश दा। कैरिंग करके भोगना पड़ेगा 20 लीटर बुलडोंग पर, नीचे से नीचे है ना इसीलिए। अच्छा चलो गाइस, नीचे तो है पानी मुझे पता है, मगर कैरिंग करना पड़ेगा इनका कहना है, मगर लेट्स सी क्या होगा। एंड सोच रहे थे यही रूट होकर आपको लाए बोल के, मगर दूसरा रूट है यहाँ से, तो शायद वही साफ करना पड़ेगा। यही बाटो लिया ना, ये बाटो ठीक है रहे तो अभी आए तो ये तो चौड़ाई कौन पसंद था। एंड काफ़ी कुछ देखना है, तो चलो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। एंड याद रखना गाइस 18 तारीख, वैसे ये वीडियो पब्लिश होगा सैटरडे को, एंड संडे को ही हम आपको बुला रहे हैं। वैसे टाइम पीरियड काफ़ी शॉर्ट रखे हमने, मैंने तो सोचा था एक हफ्ता पहले अनाउंस कर देंगे बोल के, मगर हम भी मतलब कंफ्यूज थे ये कमिंग संडे को होगा कि नहीं होगा बोल के, मगर आज हमने फाइनलाइज कर ही दिया है, वो भी पानी के कारण। अभी भी डाउट तो है मगर फिर भी हम कर ही देंगे, 18th को मैनेज करेंगे। तो या सी यू ऑन 18th of November सुबह 10 से 11 बजे के बीच। एंड किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो कि यहाँ पे किस तरीके से आना है बोल के, अगर क्वेश्चंस रहता है तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर डीएम करना, हम आपको वहीं पे गाइड करेंगे। सो गाइस बातों बातों में एक चीज़ कहना तो हमने भूल गया, एंड खुशी की खबर ये कि हम ओपनिंग तो कर रहे हैं 18th of December से। एंड आपको बता दूँ कि 18th से ही हम बुकिंग ले रहे हैं, एंड ऐसा मानो मतलब 18 से
हम बुकिंग ले रहे हैं एंड आप आके बुक कर कर अपना मतलब फ्रेंड्स के साथ मतलब क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, नेचर का मज़ा ले सकते हो, ट्री हाउस का लुफ्त उठा सकते हो। तो ध्यान में रखना गाइस, डेट 18th of December जो कि ओपनिंग के साथ साथ हम बुकिंग भी ले रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो, हम ज़्यादा बुकिंग नहीं ले रहे, मगर उस दिन को हम ले रहे हैं बस 5 से 6 बुकिंग। तो लेट्स सी अब 18th को क्या सिलसिला है आप लोगों का, मुझे बस DM कर देना Instagram पर एंड हम आपको कंफर्म देंगे। स्वीट से वीडियो को भी यहीं पैन कर देते हैं एंड वीडियो लाइक द वीडियो प्लीज हिट लाइक बटन, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना, शेयर कर देना एंड इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्थी, बाय बाय।